और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नैनीताल। यहाँ पे ज्योति खा रही है मोमो। हाथ धार मत करना। ये दोनों ना ऐसा लग रहा है जैसे कछुआ की तो खो। ये देखिए, ये बनाया है हमारा पालक का कापा। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा टाइम ये बता मिले ये कितना हो रहा है। 9:25 हो चुका है और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है। कल जोहर मौसम से हम लोग आए थे, लगभग 12:30 बजे करीब हम लोग घर पहुँचे। उसके बाद सोने तक हमारा 2 बज गया था और हमें इतनी हिम्मत आई है कि आज हम सुबह निकल चुके हैं नैनीताल घूमने के लिए। और एडिटिंग कुछ भी नहीं करी है, बस इस बार अभी फटाफट घूम के आते हैं क्योंकि सब बहनों को निकलना है, इसको भी निकलना है और बरखा को भी निकलना है, साथ में आने लोग भी आज ही निकल जाएंगे, तो इसलिए हमें टाइम से वापस भी आना है। तो इसलिए हम लोग निकल चुके हैं नैनीताल के लिए। श्रेया दिया जा चुके हैं स्कूल, श्रेया के पापा घर में है, निन्नू कर रहे हैं क्योंकि कल रात की नींद पूरी नहीं हुई है। नींद तो हमारी भी पूरी नहीं हुई है, पर कोई ना, घूमने के लिए सब चलते हैं। और हमारी ज्योति जा रही है मोमो खाने नैनीताल। मेन इसका मकसद है मोमो खाना है जी। तो फटाफट चलते हैं नैनीताल को, एंजॉय करते हैं और मौज मस्ती करते हैं। तो मिलते हैं आपको सीधे हम नैनीताल में। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नैनीताल। ये देखिए मस्त मस्त नैनीताल आने वाला है। खूब शॉपिंग करने वाली लग रहा है। यहाँ पे ठंडी हो रही है। पहले तो हम खाते हैं कुछ, पेट पूजा करते हैं क्योंकि बहुत भूख लगी है। हम लोग घर से कुछ भी नहीं खाते हैं, नाश्ता वास्ता कुछ नहीं है, फिर बाकी काम फिर करेंगे। तो चले मोमो खाएंगे, ज्योति के साथ मोमो खाएंगे। ठीक है, चलो पहले खाते हैं। और ठंडी भी बहुत हो रही है। हाँ हो रही है, ठंडी हो रही है। रसदार मैगी खाई जा रही है, टमाटर शिमला मिर्च डाल के। दो जने लगे वो रात को भी खाना नहीं खाया ना तो हॉल्सी हो चुकी। और अभी यहाँ पे आ चुके हैं आलू के पराठे, साथ में छोले और खूब अचार और प्याज। और यहाँ पे ज्योति खा रही है मोमो और साथ में लेमन टी। आनिया वेट कर रही है अपने डोसे का, मसाला डोसा। जैसे मसाला डोसा आएगा तो आनिया भी खा लेगी, क्यों आनिया। हाँ, हम लोग आ चुके हैं ठंडी सड़क के वहाँ पे। यहाँ पे काफ़ी लंबी है, यहाँ पे ठंडी सड़क है, पर हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, बस यहीं पर तक। कॉफ़ी चल रही है और एक बार अपना मुँह जला चुकी है कॉफ़ी पीने के चक्कर में जी। वो देखो देखा, वो देखो जीभ जल गई बेचारेगी। कोई ना हॉट चॉकलेट। और यहाँ पर ज्योति और वर्षा दोनों जनों का फोटो सेशन चल रहा है ठंडी सड़क में, ठंडा भी हो रहा है। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ताल के वहाँ पे, अब हम लोग करेंगे बोटिंग। ये रही आनिया मस्त स्वैग दिखाते हुए। आनिया जी कैसा लग रहा है आनिया आपको यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है। आप बोटिंग करेंगी नहीं करेंगी? करेंगी। ठंडा कितना लग रहा है? बहुत ज़्यादा। तो अभी हम लोग बोटिंग करने वाले हैं। तभी मैंने कहा था आराम से। अरे यार आने आराम से, वजन का तो कुछ नहीं होता। हाँ थोड़ा सा आराम से, इसलिए डोलती है वो। आराम से आनिया ज्योति, आराम से। मेरी तो मत बना दीजिए। कहीं पर बदम गिरी का कोई बात नहीं, बैठो तुम बैठो फिर हम बैठेंगे। तो नहीं हो जाएंगे? वही कह रही हूँ ना। आप कौन है? आराम से देखे से डोल लियो। मौज की आ रही है। हमारी बारी है। अरे बाबा, हमारी बोट, अब हमें इसमें बैठना है, हम जाएंगे इसमें। हे भगवान भैया हमें पकड़ लो पहले। हाथ धार मत करना। वर्षा कितने बजे आ रहा है? फर्स्ट टाइम वर्षा बोट में बैठी है। बोट टेढ़ी हो गई भैया। और वर्षा कैसा लग रहा है बोट में बैठने में? ये होता क्यों अभी नहीं बोल रही? वर्षा की हालत खराब है बिल्कुल, फर्स्ट टाइम बैठी है। और आनिया और ज्योति पहुंच चुके आगे। मैं पीछे क्यों जा रही हूँ? तो
और हम लोग अब कर रहे हैं बोटिंग। मस्त मस्त मज़ा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पर थोड़ा सा ये मेला ऐसे कर लेते हैं। और आनिया और ज्योति आगे, अरे हम उनके हम आने ज्योति हमसे पहले निकल गए थे और हमारे लिए इसमें रुके हैं मेरे लिए। अच्छा रुके थे तो वो भी काफी दूर पहुंच गए। तभी मैं कहूँ ये रहे आनिया ज्योति। हेलो हेलो हेलो, मजा आ रहा है? देख भी नहीं, ज्यादा हिलना नुलना मत करो। और इंजॉय करते हैं बोटिंग का। और पानी देखिए काफी ज्यादा बड़ा वाली डाल में जा रहा है। यहाँ से देखिए नैनीताल का पूरा। भैया ये क्या है? ये तली दाल है ना, मल्ली, सॉरी ये मल्ली दाल है ना। हाँ ये देखो पूरा मल्ली दाल, क्या मस्त व्यू लग रहा है। दोनों ना ऐसा लग रहा है जैसे कचौड़ा की नहीं होता खोल के अंदर अपने मुंडी छुपाता है, वैसी लग रहा है दोनों की तरह। उससे मुंडी बाहर निकाल ले, हालत देखो खराब है दोनों की। पहुंच गई चैन की राहत ली और सबने मजा आया। कैसा रहा पहला अनुभव? अगली बार आएगी नहीं आएगी? आएगी। तो अब हमारी वापसी हो रही है नैनीताल से और हमने ये पापड़, हम लोग पापड़ एंजॉय करते करते जा रहे हैं। और आनिया ने ये कैंडी तो गुड़िया के बाल से बोलते हैं, गुड़िया के या बुढ़िया के जो भी है। हम लोग नैनीताल में, अभी तो नैनीताल में ही है। आज हमने खूब शॉपिंग करी है और आनिया ने शॉपिंग करके ड्रेस पहन ली। आनिया ने जो शॉपिंग करी है वो पहन ली है क्योंकि ठंड है। और यहाँ मैंने तीन दीदी मेरे लिए, शहर दीदी के लिए और दिया दीदी। और अभी हम लोग जा रहे हैं वर्षा को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन। वर्षा पीछे पीछे आए, लो दिखा दो भाई वर्षा, आज जा रही है वापस वर्षा। और आने लोग भी जा चुके हैं शाम को। हम लोग पहले नैनीताल से पहुँचे 3:30 करीबन, आने लोग भी निकल गए। और आज ये भी जा रही है, ज्योति भी चली गई है। तो अब घर में अकेले अकेले जाऊँगी, थोड़े दिन गंदा लगेगा लग रहा है। और वहाँ से आने नैनीताल आने के बाद तो थोड़ा सा सीधा दूर था और थोड़ा सी वॉमिटिंग हो गई थी, तो इसलिए ब्लॉग फिर कंटिन्यू भी नहीं कर पाया। तो फटाफट डिनर बनाया, आज बनाया डिनर में रोटी और मशरूम, नैनीताल से लेके आए थे मोमो। अभी सही पापा ने खाए, दिया ने खा लिया, अभी शेयर से टिफिन ले लिए। तो अभी फटाफट जा रहे हैं वर्षा को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन। तो फिर आते हैं वर्षा, उसके बाद चले जाओगी भाई तुम्हारी। फिर आना कब आएगी? जल्दी 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 से फिर से आएगी वर्षा मेरे पास। तो थोड़ा फिर पहले चले जाते हैं, नहीं तो ट्रेन का टाइम हो गया, लेट ना हो जाए। और अभी हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और आज है नेक्स्ट डे, ज्योति जा चुकी है, आनिया और आनिया की मम्मी भी जा चुकी है और वर्षा भी जा चुकी है। और अब हम लोग घर में वही अपने चार लोग रह चुके हैं, पांच लोग सैंडी को मिला के। और श्रेया दिया जा चुके हैं स्कूल। और अभी चलिए साफ सफाई, कपड़े डाल दिए धोने को, लंच मेरा तैयार हो चुका है। और अभी बजे हैं 10:10। तो आज मेरा लंच बन के बिल्कुल रेडी है क्योंकि सफाई के साथ साथ काम भी चल रहा है। पर इतनी जल्दी सफाई पूरी होने वाली नहीं है, पहले दिवाली दिवाली, फिर उसके बाद जोहर महोत्सव, करते करते दिवाली चली गई, जोहर महोत्सव भी चले गया और अभी भी काम ख़त्म नहीं है। और पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा अभी साफ सफाई करनी है क्योंकि पूरा सारा अस्त व्यस्त है सभी लोग। और गुन्नू बेबी है, गुन्नू बेबी के मम्मी पापा वो भी जा चुके हैं, सबसे पहले वो लोग गए। कल जब हम लोग नैनीताल से आए ना, हमें काफ़ी इन्जॉय करा, पर यहाँ आने के बाद मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। और हम नैनीताल से आते समय ये दो गाँव से, वहाँ से हम लोग लेके आए हैं पालक। पालक अभी कहीं भी नहीं आया हुआ है मार्केट में यहाँ पे, तो हमको पहाड़ का पालक मिल गया था। तो हम लोगों ने खूब सारे गड्ढे भर भर के ले लिए, कुछ बहन भी ले गई है, अन्य की मम्मी भी ले गई है पालक मेथी और लाई पहाड़ की, और मैं भी लेके आई हूँ पालक। तो आज हमने बनाई है पालक की सब्जी और छोली और चावल। ये देखिए ये बनाया हमारा पालक का कापा, सामने बनी है मस्त झोली। और थोड़े से धुआं जल गए मेरे तड़का लगाते समय, काम के साथ साथ तड़का भी लग रहा था ना। और यहाँ पे बन चुका है चावल,
बच्चों के नहा धो करने के लिए, ये नहा धो के आएंगे, दिया बत्ती करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे अपना लंच, फिर उसके बाद मैं और फिर साफ़ सफाई करती हूँ, थोड़ा सा जितना सामान फैला हुआ है उनको संभालती हूँ। अभी आप देख ही रहोगे मेरा पूरा पीछे सामान फैला पड़ा हुआ है, धीरे धीरे सारा संभल जाएगा। वो देखिए सोफे में ऐसे बिस्तर है, वहाँ है, चारपाई है, सब फैली है, धीरे धीरे होगा। एक आध दिन लगेंगे अभी संभालने में, इतनी जल्दी तो नहीं होगा, फिर भी एक आध दिन लगेंगे। और मेरे वन केक का भी वन अटका हुआ है और केक गिर गया है, या फिर केक गिर गया है और सारे स्टार निकल चुके हैं, गुब्बारे उबारे तो अभी लगी हुई है। तो यहाँ पे पूजा करके तो फिर बराबर हम लोग करते हैं अपना लंच और काफ़ी इंजॉय किए सब, पूरी फैमिली, सारी बहनें, हम लोग सब साथ में थे, बच्चे साथ में थे, तो काफ़ी मज़ा भी आया, काफ़ी इंजॉय किया। पर अभी लोग चले गए ना, अभी शाह पापा भी ऑफिस चले जाएंगे, तो मुझे अब लगेगा गंदा, क्योंकि मैं और सैंडी रह जाएंगे घर पे, बच्चे भी आ जाएंगे, पर फिर भी थोड़ा सा लगेगा ही। घर में खूब चहल पहल होती है और अचानक से चहल पहल शांत हो जाए तो कैसा लगता है, गंदा लगता है ना, वही वाला होने वाला है गंदा मेरे लिए। चलो कोई ना, बहुत जल्द फिर से आएंगे सब लोग, फिर इंजॉय करेंगे, फिर करेंगे हम मौज मस्ती। तो फिर इसी के साथ मैं अपनी ब्लॉग की ये पेंडिंग कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी आपको मैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय।